Hello students, how are you? I hope all of you fine. Already I have taught you science chapter first. Chapter first is food we eat. Already I have taught you. We have completed the exercise work and short question answer. Now today our work is I am giving you long question answer, and I hope you will complete the answers with the help of your elders. आप अपने घर में बड़ों की help से जो है question answers को complete करोगे. I am sending only answers. मैं केवल answers send कर रही हूँ. आपको question write down करने हैं. Answers थोड़े से बड़े हैं, so writing should be neat and clean. एंसर्स के साथ में आपकी राइटिंग जो है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. गंदा गंदा मत करिएगा, ठीक है? और बहुत ही कायदे से ध्यान से हमें करने हैं तीनों आंसर्स. फर्स्ट आंसर थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग उसके लिए अपना पेशेंस नहीं खोएंगे. थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही पार्ट है, सो हम लोगों को ये कम्प्लीट करना है. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द different nutrients in our body with examples. Example के साथ में हमें जो है nutrients, different types of nutrients जो कि हमारी body को जो है बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उनके functions लिखने हैं, उनके कार्यों के बारे में बताना है. तो उनके कार्य और वो हमारी body के लिए क्या करते हैं, ठीक है? तो उनके बारे में हम अलग अलग बताएंगे, ठीक है? तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, हमारे जो है एनर्जी गिविंग फूड्स पहले आ जाएंगे. इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ठीक है? और फिर इसमें जो जो फूड्स आते हैं उनको हम लोग लिख लेंगे. और ये क्या काम करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, दे गिव अस एनर्जी, हमें एनर्जी देने का काम करते हैं. एंड देन बॉडी बिल्डिंग फूड्स. बॉडी बिल्डिंग फूड्स में क्या आता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स में मीट, एग्स, फिशेस, पल्सेस, यही सब चीज़ें आती हैं जिससे हमें क्या मिलता है. इसमें का न्यूट्रिएंट क्या होता है, प्रोटीन. प्रोटीन न्यूट्रिएंट होता है. और ये क्या फंक्शन, इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर एज वेल एज बिल्ड मसल्स. मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड्स कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड हेल्प अस टू फाइट डिजीजेस. प्रोटेक्टिव फूड क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं बॉडीज को स्वस्थ रखने में और जो है डिजीज से फाइट करने में, इट मीन्स बीमारियों से लड़ने में. और इसमें जो है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है? तो इस तरीके से हम अपना फर्स्ट आंसर कंप्लीट कर लेंगे. एंड देन सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज रफेस. रफेस क्या होते हैं, Why should we eat food rich in fibers? हमें फाइबर से युक्त भोजन क्यों करना चाहिए? तो ये हमारा पेज नंबर 12 पे मैंने टिक लगाया है जहाँ से जहाँ तक, ठीक है? Food such as fruit, green, leafy vegetables, cereals are rich in fibers that cannot be digested by our body. This is called roughage. Roughage helps to throwing out the waste materials from the body, from our body. तो ये हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? एंड फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आंसर. थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन है मेंशन द इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर हेल्दी ईटिंग. हेल्दी ईटिंग के बारे में लिखना है. ये हमारा पेज नंबर 14 पे है, यहाँ पे हेडिंग भी पड़ी हुई है. क्या हेडिंग है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, लॉन्ग आंसर नंबर थर्ड. इसमें जो मैंने टिक लगाए हैं जो पॉइंट्स को, 1 2 3 4 पॉइंट्स टिक लगे हुए हैं, बस उन्हीं को लिखना है, ठीक है? सो थैंक यू क्लास, यहीं से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद हम चैप्टर को लर्न करेंगे वन बाय वन करके, बिकॉज आई विल कंडक्ट योर टेस्ट आफ्टर सम टाइम नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास. सो ओके, थैंक यू क्लास.